नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और आप देख रहे हैं मुस्लिम यूनिक। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि कभी कोई आपसे आपका फ़ोन मांग लेता है, चाहे वो गेम खेलने के लिए हो या किसी ऐप को एक्सेस करने के लिए, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है हमें अपना फ़ोन उनको देने में, क्योंकि ऐसा कुछ डेटा ज़रूर होता है हमारे फ़ोन पर जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो उस समय क्या करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि आप फुल फ़ोन लॉक करके तो उनको दे नहीं सकते हो। तो ये जो ट्रिक मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इस ट्रिक में आप वो पर्टिकुलर ऐप जिसके लिए आप उनको फ़ोन पकड़ा रहे हैं, सिर्फ वो ऐप आप उनको लॉक करके दे सकते हैं। उस ऐप को एक्सेस करने के अलावा वो आपके फ़ोन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्या है वो ट्रिक, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अपने आईफोन पे अगर आपको किसी ऐप को लॉक करना है, जिससे कि आपने अगर अपने आईफोन को किसी को यूज़ करने के लिए दिया हुआ है, तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर ऐप को ही यूज़ कर पाए जो आपने उसको ओपन करके दी है, और कुछ भी एक्सेस ना कर पाए, उसके लिए आपको अपने आईफोन में गाइडेड एक्सेस ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना है। एक्सेसिबिलिटी में आप सबसे नीचे जाएंगे तो ये थर्ड ऑप्शन जो आपको दिखा रहा है, नीचे से जो थर्ड ऑप्शन है गाइडेड एक्सेस, इसको आपको ऑन कर देना है। मेरे में ये ऑलरेडी ऑन है, आप देख सकते हो ये ऑन है। और इसमें आपको जो दूसरा ऑप्शन नीचे दिखा रहा है, सेकंड लास्ट एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट, इसको भी आपको ऑन रखना है। इससे क्या होगा कि जब आपको गाइडेड एक्सेस को एग्जिट करना है, तो होम बटन को आपको 3 बार प्रेस करना पड़ेगा, उससे आपको ये ऑप्शन दिखा देगा एग्जिट होने का गाइडेड एक्सेस से। तो इस ऑप्शन को भी ऑन करना बहुत ज़रूरी है। और आपको जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है पासकोड सेटिंग, इसमें भी जाके आपको एक पासकोड सेट करना पड़ेगा, जिससे कि आप जब एग्जिट करोगे गाइडेड एक्सेस को, तो ये पासकोड के बिना वो एग्जिट नहीं होगा। तो हम इसको सेट कर लेते हैं। दोस्तों, हमने अपना जो गाइडेड एक्सेस का पासवर्ड है उसको सेट कर लिया है। अब हमें करना ही होगा कि हम किसी भी एक ऐप को ओपन कर लेंगे, जैसे मैं सफारी ओपन कर लेता हूँ। अब इस पर हमें होम बटन को 3 बार क्लिक करना है। 3 बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये ऑप्शन बन के आ जाएगा इस तरीके का, जहाँ पे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में गाइडेड एक्सेस लिखा है, इसके लेफ्ट साइड पे कैंसिल, राइट साइड पे स्टार्ट लिखा है। तो हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये गाइडेड एक्सेस मोड में आ जाएगा, सिर्फ ये ही सफारी खुलेगी और कुछ भी नहीं खुलेगा। और इसमें नीचे की तरफ आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे एक ऑप्शन आपका ये दिया गया है, जिसमें आप जाके और आप सिलेक्ट कर सकते हो कि इनमें से कौन सा फीचर है जो काम करेगा जब ये गाइडेड एक्सेस ऑन होगा या नहीं करेगा। इसमें से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी फीचर आपको उस पर्टिकुलर गाइडेड एक्सेस में, उस पर्टिकुलर ऐप में आपको यूज़ करने हैं या नहीं, तो वो अपने हिसाब से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको स्टार्ट पे क्लिक करके स्टार्ट कर देते हैं। अब दोस्तों, ये गाइडेड एक्सेस स्टार्टेड हो गई। अब हम इसमें से कोई भी अगर बटन दबाएँ तो सिर्फ ये जो सफारी है वही एक्सेस हो पाएगी, और कुछ भी इसमें से एक्सेस नहीं हो पाएगा। ताकि मैं होम बटन दबाऊं, तो अब मैंने जैसे होम बटन दबाया तो इसमें बता रहा है कि अगर आप इसको होम बटन को ट्रिपल क्लिक करेंगे तो ये एग्जिट होगा, और कोई भी इसमें अब होम स्क्रीन नहीं आएगी, ना कोई और ऐप खुलेगी, कुछ नहीं होगा। सिर्फ सफारी को ही आप एक्सेस कर सकते हो और कुछ भी इसमें खुलेगा नहीं। जब भी आप किसी भी चीज़ को क्लिक करोगे इसमें, चाहे होम बटन हो चाहे कुछ, तो इसमें आपको ये गाइडेड एक्सेस इनेबल करके दिखा देगा। अब आप इसको एग्जिट करने के लिए फिर से होम बटन को 3 बार में क्लिक करना होगा। तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही 3 बार क्लिक किया तो ये एग्जिट होने से पहले आपसे ये पासकोड मांगेगा जो हमने वहाँ पे सेट किया था पहले, और इसको बिना पासकोड के ये एग्जिट नहीं होगा। आपको पासकोड डालना पड़ेगा तभी ये गाइडेड एक्सेस जो है वो एग्जिट होगा। तो हम इसमें पासकोड डाल लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है दोस्तों, जैसे मैंने इसमें देर की पासकोड डालने में, तो अब ये 9 सेकेंड्स के बाद दोबारा हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, उससे पहले हम पासकोड इसमें नहीं डाल सकते हैं। तो सिक्योरिटी के हिसाब से तो वैसे भी एप्पल बहुत ही बेहतरीन है। इसको फिर से ट्राई करते हैं, उसमें पासकोड डाल देते हैं। तो ये दोस्तों अब ओपन हो गया। अब इसमें आप ऑप्शन देख सकते हो एंड और रिज्यूम का, तो हम इसमें एंड कर देंगे तो गाइडेड एक्सेस जो है वो एंड हो जाएगी। ये एंड हो गया। अब आप किसी भी ऐप को आप फिर से इसमें एक्सेस कर सकते हो। यही ऑप्शन दोस्तों जो इसमें गाइडेड एक्सेस के नाम से है, वही एंड्रॉयड में आपको स्क्रीन पिनिंग के नाम से मिलता है। तो उसमें बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जिससे कि आप अपना फ़ोन किसी और के हाथ में अगर दे रहे हैं तो आपका डेटा कोई और एक्सेस ना कर ले,
इससे आप बच सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। दोस्तों अगर आज के वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी क्लिक करिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लग रही हैं। जल्दी मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू।